Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine in your home. Welcome back to online classes. And today we are going to start unit number 5 of standard 5th subject English. तो आज हम लोग class 5 का unit number 5 का एक बहुत ही बढ़िया chapter देखने वाले हैं. Rip Van Winkle. Rip Van Winkle. जो कि वॉशिंगटन इरविंग इन्होंने लिखा है. स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज इंकल्केट बाय वॉशिंगटन इरविंग. इस स्टोरी में बताया गया है कि एक आदमी रहता है रिप वैन विंकल. ही वॉज वेरी काइंड एंड वेरी गुड मैन, वेरी गुड नेचर में. सो क्या होता है कि लेकिन उसकी एक बहुत गंदी आदत रहती है, वो बहुत आलसी रहता है. ही वॉज वेरी लेजी. तो कुछ एक बार काम करने का उसको बहुत ही आलस होता है. दैट्स व्हाई ही वेंट अप टू द हिल. वो माउंटेन्स पर जाता है, मस्ती करता है. एक बार ऐसे वो माउंटेन्स में जाने के बाद उसे एक ओल्ड मैन मिलता है. वो उसे ड्रिंक पीने को देता है. देन ड्रिंक पीने के बाद में वो इतनी गहरी नींद में सो जाता है कि डायरेक्ट 20 साल बाद उसकी नींद खुलती है. जब वो अपने गांव आता है तो उसका गांव पूरा चेंज हुआ होता है. तरह तरह के नए नए लोग उसे मिलते हैं और उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं. तो इस तरह से यह स्टोरी थोड़ी इमेजिनरी है बट इंटरेस्टिंग है. तो इस स्टोरी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, रिप वैन विंकल. सो लेट्स स्टार्ट स्टोरी. जैसे कि मैंने कहा कि दिस स्टोरी अबाउट रिप वैन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन. एक यह स्टोरी जो है रिप वैन विंकल इस अच्छे नेचर वाले आदमी की है बट वह उतना ही लेजी होता है. हु गोज अवे इन टू द हिल एंड फॉल्स एज ही. वह पहाड़ी के पीछे जाता है और सो जाता है. व्हेन ही अवेक्स 20 इयर्स लेटर, जब वो 20 साल के बाद उठता है नींद से. ये थोड़ा इमेजिनरी है ना. तो जब वह 20 साल बाद उठता है सो क्या होता है, रिफाइंड्स दैट क्वाइट फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड. वहां पे बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी थी. उसके गांव की बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी. तो इस तरह से रिप वैन विंकल का यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है. Many years ago, अब स्टोरी की जैसे शुरुआत होती है. Many years ago, बहुत साल पहले की बात है. The foothills of the Catskill Mountains. अब फुटस्किल का मतलब क्या होता है, लो हिल्स जिसे कहते हैं. लो हिल्स एट द बेस ऑफ माउंटेन. लो हिल्स ऑफ द बेस ऑफ माउंटेन. जैसे कि ये होते हैं फुट माउंटेन का ये वाला जो एरिया होता है ना, ये जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं हम लोग फुट हिल्स. इसे क्या कहा जाता है, फुट हिल्स. ये वाला जो एरिया होता है माउंटेन का, ये नीचे का एरिया, तो उसे कहा जाता है फुट हिल्स. So, at the foothills of Catskill Mountains was a little village. तो वैसे foothills के नीचे में एक विलेज था, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एक छोटा सा गांव था. In the village lived a simple good-natured fellow named Rip Van Winkle. और गांव में बहुत ही अच्छे नेचर का, बहुत ही काइंड नेचर का
बहुत ही दयालु किस्म का एक आदमी रहा करता था, उसका नाम क्या था? रिप वैन विंकल। ही वॉज काइंड नेबर, वो एक बहुत ही दयालु पड़ोसी था, बहुत काइंड नेचर का था और बहुत ही दयालु पड़ोसी था। देन रेडली टू हेल्प एनीवन, और वह हर एक को मदद करता था। एवरीवन इन विलेज लाइक हिम, और उस गांव में हर एक आदमी एवरीवन उसे लाइक करता था, उसे बहुत अच्छा, उसे बहुत अच्छा मानता था, उससे बहुत पसंद करता था रिप वैन विंकल को। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शॉटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम। जो बच्चे थे उसे देखकर चिल्लाते थे, खुश होते थे जब वे उसे देखते थे, बिकॉज ही प्लेड विद देम, वो उनके साथ में खेला करता था, उनके साथ में रहा करता था। ही थॉट देम फ्लाई काइट्स, उसने उन्हें क्या सिखाया था? पतंग उड़ाना सिखाया था। एंड शूट मार्बल्स मींस कंचे खेलना, मार्बल्स मींस होता है कंचे, तो उसने उन्हें कंचे खेलना पढ़ाया था, मार्बल्स शूट करना पढ़ाया था। देन फ्लाई काइट्स मींस पतंग उड़ाना भी उन्होंने रिप वैन विंकल ने बच्चों को सिखाया था। दैट्स व्हाई जो बच्चे हैं वह रिप वैन विंकल को बहुत लाइक करते थे। एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उन्हें बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां रिप वैन विंकल बताता था। रिप वैन विंकल जो कैस्किल माउंटेन के नीचे में एक गांव था, वहां पे रिप वैन विंकल रहा करता था। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वैन विंकल वॉज, कौन सी प्रॉब्लम थी उसके साथ में? दैट ही वॉज वेरी लेजी, बहुत ही आलसी किस्म का था। एक ही प्रॉब्लम थी, एक ही उसमें कमी थी कि वो बहुत आलसी था। ही डिड नॉट वर्क इज ओन फॉर्म, जस्ट इडल अवे ऑफ हिज टाइम, वो अपने जो खेत में बिल्कुल काम नहीं करता था, उसे सिर्फ टाइम पास करना पसंद था। अब इडल वे हिज टाइम मीन्स क्या होता है? स्पेंड टाइम डूइंग नथिंग, स्पेंड टाइम डूइंग नथिंग मीन्स कुछ भी ना करते हुए अपना वर्क वक्त जाया करना। द फेंसेस वी आर फॉलिंग टू पीसेस, उसके जो फार्म के जो फेंसेस पे तार थी, जो उसका कंपाउंड था वह टूट चुका था, तो भी उसको होश नहीं था। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे, उसकी जो गाय है वह एस्ट्रे में भटक जाती थी, इधर उधर भटक जाती थी उसकी जो गाय है, तो भी उसको होश नहीं रहता था। विंड्स ग्रू ऑन हिज फॉर्म, विंड्स, विंड्स मींस क्या होता है? जो कि अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे खरपतवार जिसे लोग कहते हैं, बहुत सारी ग्रास उसके खेत में उग चुकी थी, उसे कहा जाता है वीट। वीट्स ग्रो ऑन हिज फार्म, उसके खेत में तरह तरह की अनवांटेड घास, अनवांटेड प्लांट्स उसके खेत में उग गई थी, उसके खेत में आ गई थी। देन रिप्स कॉन्स्टेंट कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस वॉज हिज डॉग, और उसका जो हमेशा उसके साथी, कॉम्पिटेंस मींस उसका साथी, उसे हमेशा उसके साथ में एक कुत्ता रहा करता था, हमेशा रिप वैन विंकल के साथ में उसका एक पालतू कुत्ता था, हुज नेम वॉज, जो उसका नाम क्या था? उल्फ, उसका नाम क्या था? उल्फ। तो जो उल्फ नाम का जो कुत्ता है तो हमेशा उसके साथ में रहा करता था। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, और टू अवॉइड वर्क इन काम से बचने के लिए वो कहां जाता था? ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, वह काम से बचने के लिए अपने खेत, अपने जंगल में जाया करता था अपने कुत्ते के साथ में, और जंगल में इधर उधर घूमता था, टाइम पास करता था, बट काम बिल्कुल नहीं करता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ,
रिप जस्ट वॉक ऑन आयर ऑन रीच द हाईएस्ट पार्ट ऑफ ऑडियंस। अब एक दिन क्या होता है, जो रिप होता है ना वह सबसे ऊंची जगह पर माउंटेन की पहाड़ी के सबसे ऊंची जगह पर पहुंच जाता है। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वेन ही रीच देयर, और देर दोपहर की बहुत दोपहर बहुत गुजर जा चुकी थी, मीन्स अभी इवनिंग होने वाली थी, इवनिंग हुई नहीं थी बट अभी होने वाली थी। इस तरह से दोपहर गुजर चुकी थी जब वह वहां पर पहुंचा। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, और लंबी चढ़ाई की बात नहीं, बिकॉज ही रीच टॉप ऑफ माउंटेन, वह माउंटेन की ऊपर तक पहुंच गया था, इस वजह से लंबी चढ़ाई के कारण वह थक गया था। ही ले डाउन एंड बिगन टू डे ड्रीमिंग, और वह लेट गया, और डे ड्रीमिंग का मीन्स होता है दिन में सपने देखना, दिन में तारे देखना जिसको हम लोग कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना, तो उसी प्रकार से डे ड्रीमिंग, और वह लेट गया और ऐसे सपने देखते रहा खुली आंखों से। It was soon evening and realized it would be night by the time he reached his village. Then उसको realize हुआ, उसको उसने महसूस किया कि अभी तो शाम हो चुकी है। And कुछ देर के बाद में अपने गांव में जाते तक उसे रात होने वाली है। यह उसने realize किया कि अभी कुछ देर के बाद में रात हो जाएगी, इवनिंग हो जाएगी, और गांव जाते तक रात हो जाएगी। इस तरह से जब वह उसे रियलाइज हुआ वक्त बहुत हो चुका था, शाम हो चुकी थी, और उसे लंबी दूरी तय करना था अपने गांव पहुंचने के लिए। सडनली अचानक क्या होता है, ही हर्ड अ वॉइस ऑफ कॉलिंग आउट, उसने एक आवाज सुनी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, उसने आवाज क्या सुनी, उसको ही उसे आवाज दे रहा था, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। लुक्ड अराउंड, उसने चारों बाजू देखा, एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन, और फिर उसने जैसे देखा एक छोटा सा बौना आदमी, बौना बूढ़ा आदमी, छोटा सा, विद थिक हेयर मींस घने बालों का, एंड ग्रिजल बियर्ड मींस सफेद दाढ़ी, कैसी थी, छोटा सा शॉर्ट बट ओल्ड मैन विद थिक हेयर एंड ग्रिजल बियर्ड, वॉकिंग टुवर्ड्स हिम, उसके पास में आ रहा था विद अ बैरल, एक कंटेनर के साथ में, बैरल मींस कंटेनर जिसे हम लोग कहते हैं, एक कुछ पकड़ने का होगा उसके साथ, उसके पास बैरल जिसमें कुछ भरा होगा उसे कहा जाता है बैरल मींस कंटेनर, उसके साथ में हुआ आ रहा था। He made signs to help him carry the barrel. He made signs, उसने इशारा किया उसे हेल्प करने का, और किस को क्या हेल्प करना है, बैरल को कैरी करने के लिए मींस बैरल को पकड़ने के लिए, कंटेनर को पकड़ने के लिए उसके साथ में कुछ हेवी सी बकेट होगी या कंटेनर होगा, उसे पकड़ने के लिए, उसे हेल्प करने के लिए उसे उसने इशारा किया। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली, जो रिप है वह रिप ने जल्दी की उसे मदद करने के लिए, स्ट्रेंजर भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं अजनबी, उसे कहा जाता है स्ट्रेंजर, और उसने वो स्ट्रेंजर को मदद करने के लिए वो आगे बढ़ा जिसने उसका हाथ पकड़ लिया था। टुगेदर दे रीच्ड द प्लेस वेयर देयर वाज सम मोर ऑड लुकिंग मैन, और दोनों लोग ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे और ज्यादा ऑड लुकिंग मैन थे, प्लेइंग नाइन पिंस से गेम होता है, वह खेल रहे थे।
जैसे वो दोनों साथ में एक जगह पर आए तो उन्होंने रिप ने क्या देखा, और ऑड मैन जैसे कि मींस होता है कि एकदम अलग से दिखने वाले ऑड मैन, वो क्या कर रहे थे, नाइन गेम्स खेल रहे थे। दे वेर ऑल ड्रेस्ड सेम, दे वेर ऑल ड्रेस्ड सेम वे, और उन्होंने एक जैसे कपड़े पहने था। एंड ऑल दे हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, और उन्होंने जो कलर के एक जैसे कलर के तो कपड़े पहने थे, बट उनकी जो दाढ़ी थी अलग अलग शेप की थी और अलग अलग कलर की थी। इवन दो दे वेर प्लेइंग अ गेम, हालांकि वो गेम खेल रहे थे, वो जैसे कि वो गेम खेल रहे थे, बट देयर फेसेस वेयर सीरियस, उनके जो जो फेसेस थे, उनके जो हाव भाव थे वो बहुत सीरियस थे, बहुत ही सीरियस किस्म के, बहुत ही क्या कह सकते हैं उसे, बहुत मीन्स एकदम सीरियस तरीके से वो गेम खेल रहे थे। किसी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, या फिर जैसे कि हम लोग गेम खेलते हैं सो एक हमारे चेहरे पर एक्सप्रेशन होता है, चिल्लाते हैं, मजा मस्ती करते हैं, मौज मजा करते हैं, बट उनके चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं था। देयर फेसेस वेयर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस, और वहां पे एकदम साइलेंस था, सिर्फ खेल तो रहे थे बट एकदम साइलेंस था। द ओनली साउंड वाज द नॉइज ऑफ द बॉल्स, और सिर्फ एक ही साउंड था, कौन सा था, बॉल का साउंड था, सिर्फ बॉल का साउंड आ रहा था। और भी कैसे आ रहा था, विच इनकॉल्ड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, मीन्स ऐसे इनकॉल्ड मीन्स होता है गूंजना, जैसे जो माउंटेन्स में बिजली जैसे गरजती है ना, उस तरह से उसका आवाज था। एज रिप एंड हिज कंपेनियन मीन्स साथी रीच देम, जैसे ही रिप और उसका साथी वहां पहुंचे, दे स्टॉप प्लेइंग, उन्होंने खेलना बंद कर दिया, एंड स्टेयर्ड एट रिप विद द फिक्स्ड गेज, और एक नजर से एक टक रिप को घूरने लगे, स्टेयर्ड में थोड़ा घूरना, और रिप को वह एक नजर से घूरने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप बहुत घबरा गया, आदमी नहीं, नए नए तरह के आदमी छोटे से बौने से दिखने में बहुत अजब से थे, और वह एक जैसे उसको घूर रहे थे। That's why Rip was really frightened. His companion, जो उसका साथी था, emptied the contents of the barrel into the glasses and made Rip drink it. उसके जो companion था, उसने जो barrel में जो drink था, वो उसने glasses में डालना चालू कर दिया और एक ड्रिंक रिप को दिया। रिप ओबेड एज ही वाज ट्रिम्बलिंग विद फियर, उनके बात उसने मान ली क्योंकि वो डरा हुआ था, एंड डर से ट्रिम्बलिंग में सुना है, ट्रिम्बलिंग विद फियर में सुना है, डर से कांपना, ट्रिम्बलिंग विद फियर मींस डर से कांपना। सिंस ही वाज थर्स्टी, वो बहुत देर से प्यासा था, he drank few more glasses, तो उसने बहुत सारे glasses पी ली, and slowly fell into the deep sleep, और धीरे धीरे वो गहरी नींद में सो गया। On waking up, अब जैसे वो उठा नींद से, जैसे वो जागा, he found that he was at the place where he had first met old man. जैसे ही वह जागा तो उसने क्या पाया कि वह उसी जगह पर था जिस जगह पर पहली बार वह आदमी से मिला था, बौने आदमी से मिला था, उसी टाइम उसी जगह पर उसने अपने आप को पाया। He rubbed his eyes, उसने अपनी आंखें एकदम रब की। It was bright sunny morning, और बहुत ही
एकदम ब्राइट सनी मॉर्निंग थी, बहुत ही एकदम चमकदार सूरज की किरणें आ रही थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, मुझे पता था कि मैं यहाँ पे पूरी रात को नहीं सोया था। थॉट रिप ने सोचा कि मैं, मुझे पता है श्योरली कि मैं यहाँ पे पूरी रात को नहीं सोया। He looked around for wolf. Wolf was his dog. Huh? Wolf was his dog. जो उसके डॉग का नाम क्या था? Wolf. उसने अपने डॉग को देखा। But he was nowhere. But he was nowhere. But वो वहाँ पे नहीं। Rip whistled for him. Rip ने उसके लिए क्या बजाई? सीटी बजाई। Wolf, wolf. He taken shouted. वो उसने चिल्लाया उल्फ उल्फ करके, उसने चिल्लाया, उसने विसल बजाई। नो डॉग वॉज टू बी सीन, बट वहां पे कोई भी डॉग नहीं था। वेयर हैज हिज डॉग गॉन, वेयर हैज हिज डॉग गॉन, उसका कुत्ता कहां चला गया था? ही मटर्ड, मटर्ड मींस पुटपुटाना जिसे हम लोग कहते हैं, बुदबुदाना जिसे हम लोग कहते हैं। स्पीक इन लो वॉइस, मटर्ड मींस होता है स्पीक इन लो वॉइस टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बड़बड़ाना चालू कर दिया, बुदबुदाना चालू कर दिया कि ये कुत्ता कहां गया। He began to descend the mountain to go back his village. Descend means होता है नीचे उतरने लगा, वह अपने घर जाने के लिए नीचे उतरने लगा, अपने घर जाने के लिए। उसने डॉग को देखा, डॉग पे दिखा नहीं, फिर उसने अपने घर जाने के लिए वह नीचे उतरने लगा। Then began to go to his village. Then क्या होता है? As he neared the village, जैसे ही वो अपने गांव के पास पहुंचा, he met a number of people, but he didn't know any of them. जैसे ही वह अपने गांव के पास पहुंचा, तो बहुत सारे लोगों के साथ वो मिला, but वो उसमें से एक के भी लोगों को पहचान नहीं पा रहा था। The villagers also stared at him equally surprised. जो गांव के लोग थे वो भी एकदम उसे देखकर सरप्राइज हो गए, वो भी उसको घूरने लगे। Because they were unknown with him. वो उसके साथ में अननोन थे, है ना? Then, who is this man? ये आदमी कौन है? ये आदमी कौन है? एक जन ने कहा, अरे आदमी कौन है? आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर। तो दूसरे ने क्या किया? उसे दूसरे ने कहा कि अरे हम लोगों ने तो इसे कभी नहीं देखा, इसके पहले इसे कभी नहीं देखा। लुक एट हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड एंड व्हाइट रिंकल्स फेस, अरे इसके बड़ी वाली सफेद दाढ़ी की तरफ देखो और उसके रिंकल फेस की तरफ देखो। और हियरिंग दिस, जैसे ही रिप ने वो सुना, स्ट्रोक हिज चेन, उसने अपने चेन को हाथ लगाया, एंड टू अस्टमेंट हिज फाउंड हिज बियर हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग, एक फुट तक उसकी बियर बड़ी हुई थी, एंड इट वॉज ऑल व्हाइट, और पूरी कैसी थी? सफेद थी। एंड ओल्ड वुमन वॉक अप टू द हिल, एक बुढ़ी औरत उसके पास आई, एंड लुक हिज फेस फॉर अ मोमेंट, और एक टक कुछ क्षणों के लिए उसके फेस को देखते रहे। देन शी एक्सक्लेम्ड मींस वो जोर से बोले, एक्सक्लेम मींस होता है कि एकदम चकित हो जाना और जोर से बोलना। देन एक्सक्लेम्ड इट्स रिप एंड विंकल, अरे ये तो रिप एंड विंकल है, वेलकम होम अगेन, वेलकम Home again, old neighborhood, old neighbor, my old neighbor, welcome, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। Where have you been? क्या कहती वो? Where have you been these 20 years? 20 साल से तुम कहाँ थे? Where have you been these 20 long years? 20 सालों से तुम कहां थे? इसका मीनिंग क्या था? जब रिप एंड विंकल ने वो ड्रिंक पिया तो 20 साल तक सोया ही रहा,
देन 20 साल के बाद जब रिफ वैन विंकल अपने गांव में आता है तो उसकी दाढ़ी बड़ी होती है, उसके चेहरे पर फेस पर रिंकल्स आए हुए रहते हैं, वो बूढ़ा हुआ हो गया रहता है। जैसे वो गांव में आता है सभी अननोन पर्सन उसको दिखते हैं और उसे कोई पहचान नहीं पाता। इस तरह से रिफ वैन विंकल की स्टोरी एडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिफ वैन विंकल बाय वॉशिंगटन इरविंग, जो वॉशिंगटन इरविंग की रिफ वैन विंकल यह लेजेंड है वहां से यह चैप्टर लिया गया है। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा और पसंद भी आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।